तक अपन सबका फोटो फकीर का हमार सबका फिर से भेज दे गुजरात वाला बोलिया बड़ी खुश भाई नीला वही में कहती माई तो फोटो देखली माई बताइए कुछ फोटो खींच के भेजो सबका नहीं बढ़िया बढ़िया खींच ले रही उन्होंने खुश बहुत भाई हाँ और क्या सब देख देख सब खुश होला इन्हें लोग बता तो बनाई ला निक कर लिए तन यही माने वो लोग जानियो जाए कि कतो के हो हाँ, हाँ। वही के पेपर आ रहे बस दो थे और अभी दो पेपर गांव में किसी के यहाँ कोई आया है तो ये बर्फी ला के देते हैं तो सुबह सुबह आज गुड़ की जगह ये बर्फी साबुदाना इज माय फेवरेट हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग आज सुबह 6:30 बजे की आँख खुली हुई है पापा ने एकदम धुआं कर दिया था धुआं 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 की वजह से जो है सिर्फ धुआं की वजह से नींद खुली है मेरी उसके बाद घर में आके सो तो फिर नींद भी नहीं आती तो आज है मनोविज्ञान का दूसरा पेपर और सिर्फ लिखना ही लिखना है इतना सारा थ्योरी है पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार ये सब कुछ तो मुझे आता है बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भैया आपका पता क्या है कहाँ रहते हैं मैं आपसे मिलने आऊँ क्या अगर आपको वाकई मिलने का मन है तो फिर मुझे आप DM करो ईमेल करो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन करके उसके बाद मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ आप आ जाओ मिलने तो अभी एक बंदा डायरेक्ट मुझसे मिलने चला आया है तो अभी चल के देखते हैं उसका रिएक्शन चाय के चलन चल के लिए पहले रस दाना मिले रंग दाना आवे रस भरा मतलब 15-20 साल पहले हाँ तो क्या सर ना चुके स्मार्ट लगते अरे अभी एग्जाम हमको लगा कि सर अब एग्जाम देने आ गए हम कम इंतजार करेंगे बैठेंगे बेटा पूछ बिना देखे तो जाएंगे कहाँ पिलखिनी कुछ आइडिया नहीं था अरे तो आने से पहले एक बार DM कर दो चाहे ईमेल कर दो देखो भाई इस बार भी एक जन बिना इन्फॉर्म किए घर पर पहुंच गए प्यार है प्यार और इनको बताओ 5 घंटे लगे यहाँ पहुंचने में तो ढूंढते मिल ही गए इनके माध्यम से आपको फिर कहूँगा कि आने से पहले अगर आप आना चाहते हो बहुत अच्छी बात है देखो मोस्ट वेलकम सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है क्योंकि जो घर पर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज लोग होते हैं जो थोड़े क्लोज होते हैं वो आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं जो थोड़े क्लोज होते हैं वो आपकी वीडियो को डेली देखते हैं और जो बहुत क्लोज होते हैं वो आपको मिलने के लिए घर तक पहुंचाते हैं क्योंकि वो आपको एक फैमिली का हिस्सा मानते हैं बिल्कुल ये मैं फील कर सकता हूं क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूं कि जो मेरा पसंदीदा यूट्यूबर है अगर उनसे मैं कभी सामने मिलूंगा कैसा रिएक्ट करूंगा वो सब दिमाग में चलता रहता है बहुत तो आप बताओगे ज़रा कि आप कैसे कैसे पहुँचे बस पहुँच गए हैं बहुत मुश्किलों से कोई नहीं हम आपका फेस ब्लर कर देंगे सिर्फ नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बैठो आओ फिर बैठो मुझे लगा तकलीफ है इनको ब्लॉग में आने से नहीं कोई तकलीफ नहीं है अब भैया इतनी स्मार्ट इनके सामने मतलब हम क्या गोलू कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं मेरे सामने होगा ही स्मार्ट है बहुत मुश्किलों से आए हैं लेकिन ये कि बस मिलना था पहुँचना था रास्ता ढूंढते एक एहसास था वीडियो में और बस पता था कि यहाँ आसपास रहते हैं ढूंढते आ गए फील से कि हाँ ये हो सकता है घर ये हो सकता है गांव तो प्यारी था स्नेह था जो अब देखो भाई इस तरीके से मत आओ बता क्या हो बता क्या होगे तो 2-4 पूड़ी बनवा देंगे घर में खाना वाना बनवा देंगे आपके लिए अभी शनिवार के दिन आए हैं खिचड़ी बनी हुई है खिचड़ी खिला के भेजेंगे नहीं तो हम खिचड़ी खाते हमको बहुत पसंद है खिचड़ी खिला के भेजेंगे अच्छा तो बोलेंगे साथ हो लेकिन जाके बोलोगे अरे वेद भाई कहाँ गया खिचड़ी खिला के भेजे ये कुछ नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा और वेद भाई के पापा मम्मी बहुत ही अच्छे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कोई अगर आने वाला है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करके आना क्योंकि आप लोग जल्दी ढूंढ नहीं पाए हाँ ये तो पास के ही थे है तो मुश्किल नहीं लेकिन आप लोग परेशान हो सकते हो तो बेहतर है कि आप थोड़ा मेल पहले हाँ मेल कर दो या तो DM कर दो मैं किसी को मना नहीं करूँगा बट ये है कि आने से पहले आपको भी पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं मुझे भी पता रहे कि कौन आ रहा है तो आज ये सब कुछ आपको सामने से देखने को मिल रहा है ये सब मेरे ब्लॉग में रहता है ये पेड़ आप देखते हो हमेशा ब्लॉग में वो गाड़ी देखते हो और इतने गलत टाइम पे ये आया है बंदा कि अभी 15 मिनट में मैं निकल जाऊंगा एग्ज़ाम देने के लिए
अरे सही है, देखिए प्यार है तो कुछ मायने नहीं रखता। आप कब आ रहे हो? रात को मत आइए आप लोग, 12 बजे के बाद मत आना। हाँ सुबह ही निकल जाओ, एक काम करो, अगर ढूंढने निकलना है तो सुबह ही निकल जाओ, 6 बजे दोपहर तक तो पहुंच ही जाओगे आराम से। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तो आप आराम से पहुँच सकते हो। हाँ इसीलिए आप बता करके आओ, वही बेस्ट है। मतलब सिर्फ मेरा फोटो इनके पास था, नाम मालूम था इनको कि नाम तो काफ़ी है, तो वो चलो शुक्र से किसी गांव में एक सब्सक्राइबर ने इनको बता दिया है कि वो भी 10 साल का बच्चा था, वो भागते हुए आया, उसने सुना विद्या का नाम तो कह रहा है कि उसका फोटो ले लेना चाहिए था उस बंदे। मैं तो खुद उसके साथ ही, मैं तो खुद ये इतना ज़्यादा मैं खा ही सकता हूँ। चलो भाई आप खाते रहो, तब तक मैं ये पढ़ लेता हूँ आखिरी सवाल। चलो गाइस, तो अभी घड़ी में बज गए हैं 1:30 और आधे घंटे के अंदर पहुंचना है मुझे मेरे सेंटर पे, फिर परीक्षा शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया मैं। गमछा बांधने आ गया? नहीं, ये वाले बांध लेते हैं। आता है बांध ये इस तरीके से? नहीं आपकी तरह। हाँ हाँ आप जैसे पहनते हो, ले पकड़ दो आप पहनिए। अभी तो ये लगा लिया ना, जब कैप नहीं होता है तो चलो कैप हटाई देते। दूर है ना सेंटर? हाँ 5-6 किलोमीटर। हाँ तो गमछा लगाइए। आ गया है, बाप रे बाप, सुल्तान है। बस पेट्रोल पंप पहुँच जाए और क्या। ये कैसे तो ना डब्बा में दे देना, पेट्रोल पंप वाले डब्बा में दे देना। हाँ दे दें, कहने दें। आओ क्लासमेट। देखो ये सारे मेरे क्लासमेट हैं। कोरोना चेक ना होला भाई, कैमरा है यार। एकदम खाली खाली यार, ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है साइकोलॉजी का पेपर बहुत कम लोग दे रहे हैं। फ्लाइंग बीस्ट जब पहली बार अपने लॉ कॉलेज में गए थे तो वहाँ के लॉन्डो ने उनको घेर लिया था, और एक हमारे कॉलेज के लॉन्डे हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्राइम पेट्रोल का एक्टर आया यहाँ पर। तो अभी जस्ट पेपर ख़त्म हुआ और आज का पेपर बहुत बढ़िया गया। अब सिर्फ एक पेपर और रह गया है हिंदी का, वो ख़त्म, उसके बाद हम सीधा मुंबई। ये वाला गांव मुझे बहुत पसंद है, भदेवरा। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये पूरा गांव है और बहुत ज़्यादा पॉश है। आओ मैं आओ। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, अच्छा मौसम आने वाला है। अब यहाँ पे ठंडी वंडी, अब यहाँ पे गर्मी वगैरह कुछ नहीं है। मेरे यहाँ आने के 2 दिन पहले जब मैंने टेम्परेचर देखा था यूपी का, अरे बाप रे 45 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, समझे महाराज, एकदम सब ठंडा हो गया है। एक समय था जब झांसी में 45-47 डिग्री सेल्सियस मैंने गूगल पे देखा था, अभी तो यहाँ पर होगा 35-33। अरे ए बच्चे, ए सुन, ठोक दे, फोटो ले लो, फोटो दे, जा। और सर, क्या कर लिया? फोटो ले ले। हाँ फोटो वाले, हाँ फोटो वाले। क्या? चलो फोटो। ले ले ले। Only 50 rupees में पूरा टोकरी भर के भाजी है, वो भी 3-3 सब्जी धनिया मिर्च और काकड़ी के साथ। यही 150 रुपये की सब्जी बनेगी अगर आप टोकरी या फिर बिग बास्केट से मंगाते हो तो। चलो सब्जी खरीदने के बाद अब निकलते हैं थोड़ा मार्केट। लोग मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, मैं सब्जी खरीद के मार्केट जाता हूँ।